वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ पबजी मोबाइल की। तो आज मैं खेलने लगा हूँ ब्लू होल मोड जो नया है प्ले लैब का पबजी मोबाइल। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिल जाए, और कमेंट करना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो जब हमने गेम शुरू किया हमने कहा ये मैं पहली दफ़ा मोड खेल रहा हूँ, तो मुझे कहा कि सेफ जगह उतर के हमें खेलना चाहिए। तो हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में हमें लूट तो काफ़ी अच्छी मिली है। तो अब बस आगे देखते जाए हमें मिलता है क्या। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना, मुझे सपोर्ट देना, और लिंक में मेरे चैनल है जिसने मेरे साथ एडिटिंग की बहुत हेल्प की है, उसको उसकी चैनल में भी जाके उसको थोड़ा सपोर्ट देना। और गाइस एडिटिंग में बहुत टाइम लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो आते ही मुझे लेवल वन का हेलमेट मिल गया है, और लेवल वन का बैग, और लेवल टू का वेस्ट, और एक पिस्टल। तो साथ ही साथ मैं आगे गया, मुझे एक पैन मिल गया और एक शॉटगन जो मेरे लिए बॉट्स को मारने के लिए तो काफ़ी था। तो मैं उसके बाद ही नीचे चला गया। नीचे मुझे काफ़ी देर के लिए एक बंदे का फुटस्टेप नज़र आया जो मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा कि अब तू गया। अब उसने मुझे बहुत घुमाया, तो मैं पहले अच्छी से लूट गया, मैं गया, मैं पूरा ढूंढता रहा, मुझे मिला ना वो। तो हम सबसे पहले जाके थोड़ी सही और लूट ढूंढते। यहाँ पे तो मुझे स्कारन मिल गई थी और साथ एक फर्स्ट एड भी मिल गया। तो और आगे जाके मुझे इतना ख़ास तो कुछ नहीं मिला अब तक। तो अभी तो मैं आगे जाके वो बंदे को मारने ही लग जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरी सही आवाज़ नहीं है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है। और मुझे उजी मिल गई मैं शॉटगन की जगह, और जब मैं वो बंदे को मारूंगा आप लोगों तो मेरे ऊपर लानते मारोगे, क्योंकि जैसे मैंने उसको मारा वैसे तो एक बॉट भी नहीं मारता, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फ़ोन लैग कर रहा था। पबजी का ये तो बहुत लैग होता है और स्पेस भी बहुत लेता है, तो हमें उसको स्पेस आउट करना है। और जाए मैं नीचे आया था वह बंदा मुझे दिख गया, मैं आपको कहा था कि मेरी शूटिंग सही नहीं थी क्योंकि लैग बहुत हो रहा था। मेरी स्कॉलर की बुरी खत्म होने लगी थी तो मैंने उजी पकड़ ली, तो मैंने उसको पिकअप कर दिया। तो मेरा पीछे से मेरा टीममेट आ गया जो मेरा कज़न है जिसने मेरा काफ़ी सपोर्ट दिया है, उसने उसको फिनिश कर दिया। इसके पास भी M16 की काफ़ी बुलेट्स थी जो स्कारलेट की भी हैं, तो मैंने वो ले ली कि मेरे लिए मदद आ गई स्कारलेट। तो वैसे ही मैं अपनी लूट को देख रहा था कि मेरे पास कोई फालतू सामान तो नहीं है। उसके बाद मुझे बुलेट की काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो मैं सबसे पहले गया कमरों में ढूंढने के लिए कोई अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो मुझे काफ़ी स्कारल के बुलेट्स भी मिल गई और उजी की भी मिल गई, गुजारे के लिए काफ़ी है। फिर मैं इससे ऊपर भी गया और मुझे बाय एक बॉटम से उसको मैंने स्कारल के साथ कुछ शॉट्स में नॉक कर दिया, उसके बाद उसका फिनिश कर दिया मैंने। और जब मैं उसको मारा था पीछे से मुझे मारा था, तो मैंने सोचा पहले इसको फिनिश करके दूसरे को मार दूंगा, कि अगर मैंने उसको नॉक कर लिया जो बंदा मुझे मार रहा है वो मेरे खेलना चला ले। तो मैं जब नीचे आया वो बंदे मुझे दिख गए, एक को तो मैंने नॉक कर दिया था ये, और दूसरे को मैंने नॉक किया जो उसको रिवाइव करने आ रहा था। तो मैंने उसको पहले नॉक किया, इनका एक और टीममेट था जो मिला नहीं, तो हमने कहा चलो हम चलते हैं जैसे थोड़ी देर बाद। तो मैंने इन दोनों को मार दिया। इसके बाद भी काफ़ी सही लूट थी, बैंडेज मिल गए और मुझे स्कार की थोड़ी बुलेट्स मिल गई। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि नंबर 2 की आईडी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हुआ यूँ के दो तीन दफ़ा इसकी पबजी की आईडी डिलीट हो गई थी, तो जब जो भी ये नाम लॉगिन करता था वो सारे यूज थे, तो उसने एक दफ़ा रैंडमली कुछ लिखा वो एक्सेस हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो आज के बाद उसने यही अपना नाम लिखा। ना हमें उसकी आईडी सही तरह लिखनी आती है क्योंकि इसके उल्टे पुल्टे लेटर्स हैं, तो हम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करते, वो हमें उल्टी करते हैं। तो उसके बाद मैं छत पे आ गया, छत पे मैंने थोड़ा देखा स्कोप वो खोल के कोई दिखा नहीं, तो मैं नीचे आ गया। उसके बाद मैं ये फाइनल फ्लोर पर आ गया जिसमें मैं थोड़ा लूट छूट के जाऊँगा वापस। तो मैं आपको बताने कि ब्लू होल मैप जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है, क्योंकि ऐसे जब भी आप
ने देखा होगा, मैंने मैप खोला, एक बड़ा सा ब्लू सर्कल होगा। उसमें भी ये होता है कि जब भी हम ब्लू सर्कल में जाए उधर हमारी डैमेज शुरू हो जाती है। रेड जोन का तो आपको पता है, बॉम्ब्स, और वाइट जोन आउट ऑफ द मैप। तो हमने यहाँ पे यूएजी ली और हम आगे जाते रहे। तो हमने जब देखा कि हम गटका चलते हैं, पर जब जब गटका पहुँचते पहुँचते सर्कल थोड़ा आगे चला गया, तो हमें अपने इरादे थोड़े बदलने पड़े। यहाँ पे मेरी ड्राइविंग बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि मेरा गले चौड़ा था, पर वीडियो में नहीं नज़र आया, पता नहीं क्यों। तो यूँ ही हम आगे जा रहे गटका की तरफ, हमें दिखा एक पॉट, पर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता होगा क्योंकि हमने उस पर टेंशन छोड़ के नंबर टू पे कर ली, क्योंकि वो गाड़ी से उतर आया। उसकी हर टाइम यही आदत होती है, जब भी हम गाड़ी में होते हैं वो बार बार एग्जिट को बटन दबा देता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो और उसको हीलिंग मिले। तो यूँ ही अपने मैप खोला, कटका से जोन चला गया, तो हमें वापस जाना पड़ा वाइट जोन में। वाइट जोन में जब मैं गया तो हमें उसके आगे ब्लू जोन था, तो हमें ब्रिज के ऊपर चढ़ना था। हम ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ पाए क्योंकि ब्लू जोन उधर ही था। तो जब हम ब्लू जोन से उतर के कोई खात में हो गए जहाँ पे ब्रिज था, पर ब्रिज से जाने पहले हमने एक छोटे छोटे एरिया में थोड़ी लूट छूट की। हमने यहाँ पे अपना लूट किया इधर थोड़ा, और मैं जब उतरा तो ये हुआ मेरे साथ। मैं 10 सेकंड के लिए उतर ना पाया, मुझे लगा कि डिकनेक्ट ही ना होंगे, पर अल्लाह का शुक्र कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल का नाम देखा, कि मेरा नाम है, मेरा नाम हसीन। तो अगर आप मेरे साथ पबजी खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपकी पबजी आईडी क्या है और आपने सब्सक्राइब किया या नहीं, और कमेंट ये भी करना कि आप इस वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। काफ़ी टाइम इधर गुजरा दोस्तों, हमें एक बुलेट की आवाज़ें आ गई, हमने उसको इग्नोर किया क्योंकि एक दो लोगों के लिए हमें टाइम वेस्ट करना पड़ा, और आगे से जोन में बस थोड़ा टाइम रहता था। तो उसके बाद हम आगे गए, हम एक फैक्ट्री के पास पहुँचे, नहीं हम यहाँ पे किसी छोटे घर के पास पहुँचे जिसमें हमने रुकने का फैसला किया था, पर हम नहीं रुके क्योंकि हम आगे एक ड्रॉप था। तो हमने फुल बूस्ट लगा के देखा कि हम उस ड्रॉप के पास पहुँचते ही नहीं। हमने जब देखा ड्रॉप के पास, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पूरा ब्लू जोन ब्रिज पे है। तो हमने वापस अपनी गाड़ी को टर्न कर लिया, और यहाँ पे वही हादसा, नंबर टू फिर से उतर गए। उनको फिर से हीलिंग चाहिए थी, इसलिए उनने एक एक्ट किया कि जब भी मैं उतरूँगा मुझे हीलिंग मिल जाएगी इनसे। दोस्तों, हम पीछे इसलिए नहीं गए क्योंकि फ्यूल भी कम था, हमारे पास गैस कैन थे, वो हमने बाद में एक्सपेरिमेंट करना था क्योंकि हमें ये वेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों, हम जल्दी से पहुँचे एक एरिया के पास जहाँ पे एक छोटा सा वेयर हाउस था और दो तीन घर थे। उस जगह पे पहुंच के मेरी टीममेट को मिली डीपी, और मैं जब उसकी बुलेट लेने लगा किसी ने चोरी कर ली। तो दोस्तों के साथ खेलो तो यही होता है। तो ये लोग उतर गए, मैं रिफ्यूल करके वापस आ रहा था, और आप अभी देखते जाएं क्या होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं अपनी सारा फ्यूल व्यूल करके उतर गया, और जब मैं घर के अंदर घुसा मुझे उसी की बुलेट मिली, पर मेरे पास काफ़ी थी। यहाँ पे मुझे AKM की बुलेट में लेने लगा था, पर नंबर 3 ने उठा ली, पता नहीं क्यों। देखिए, मैं ले ही रहा था, उसने इतनी जल्दी उठा लिया कि मुझे पता भी नहीं चला सही तरह। और देखो, पत्ते में जो आगे से मुक्के मारता है आगे से मुझे, बदतमीज। दोस्तों, उसके भी उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, उसकी जाके उसका चैनल देखना। तो प्लीज़ उसको भी ज़्यादा सपोर्ट दें, प्लीज़ रिक्वेस्ट एक बच्चे से आपसे। तो गाइस, अगर आपको मेरी एज, मेरा सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपनी आईडी दें मुझे पबजी की, और आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं और मुझे भी आईडी दें। और मैं एक पॉपुलैरिटी गिव अवे कर रहा हूँ, उसके लिए बस बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा आपको क्या क्या करना है। वैसे अगर
कुछ लोगों से डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, मैं अभी बताता हूँ। एंटर करने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कि आप एक सब्सक्राइबर हैं भी या नहीं, और ये भी बताना है कि मेरी कितनी वीडियोस हैं। अगर आपने सही कर दिया मतलब आप एक ट्रू फैन है। काफ़ी लोग तो यही करते हैं कि जब भी उनको कोई गिव अवे का पता चलता है तब भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ओ यू आर माई फेवरेट चैनल पर। ऐसा होता नहीं, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं लगती। अगर आप एक ट्रू फैन नहीं है तो प्लीज़ कुछ कमेंट ना करना, अगर ट्रू फैन है तब भी करना, प्लीज़ थोड़ी रिस्पेक्ट कर लें मेरे साथ। तो वहाँ पे मैं घरों पर आके लूट गया वगैरह, तो उसके बाद हमने फैसला किया हम निकल जाए। वो लोग तो गाड़ी लेके आ रहे, तो जब हम गाड़ी के हमने देखा कि बाद में मैप भी, जब हम थोड़ा आगे गए तो देखें आगे होता क्या है हमारे साथ। तो मैंने उसको कहा मैं चलाता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल गंदी गाड़ियाँ चलाता है, क्योंकि इसका लैग भी होता है, तो पता नहीं हम अगर ब्रिज पे चल रहे तो हम पानी में गिर जाते हैं, तो ये हमारे साथ यही होता है। देखिए वो साथ और जोन आगे चला गया, तो हम जोन की तरफ नहीं जाते, हम एक ड्रॉप कीपर जाते हैं जहाँ पे एक बहुत खतरनाक चीज़ थी जिसका नाम है लाल जोन, रेड जोन, जहाँ बड़े बड़े आइटम बॉम्ब निकलते हैं। पर यहाँ पे तो हमें ड्रॉप में इतना ख़ास तो कुछ नहीं मिला, बस एम के फोर्टीन लेवल ठीक बैग मिला। वो ड्रॉप जो था वो घर के ऊपर था, तो अगर आपको नहीं पता वो उतार के थे इससे हमें ग्रेनेड ऊपर फेंकना होता है। ये मेरे टीममेट का तो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसका ग्रेनेड सही पोजीशन पे नहीं गया, तो उसने जब फेंकने की कोशिश की थी आप देख सकते हैं कि बस एच पे था, तो जब मैं कुक करने लगा था मुझे अपने टीममेट के वहाँ से वो कुक करने लगा, तो मुझे लगा वो है, पर एक्चुअली उसके फ़ोन से मेरी ग्रेनेड की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जब मुझे समझ आ गई मेरे ग्रेनेड फेंको बिल्कुल उसके साइड पे था, तो थोड़ा एक दो सेकंड कुक कर दिया तो वो निकल गया। तो आप देख सकते हैं इतनी खास लूट तो नहीं थी, बस आर्मर बैग और ये MK14 और AKM के थोड़े बुलेट्स। तो मेरे पास यहाँ पे AKM की बुलेट थोड़ी कम थी, तो मेरे टीममेट ने मुझे दी। उससे पहले मुझे कुछ फालतू सामान फेंकना था और मैंने फेंक दी, मैं 4x फेंक दिया और मैंने गलती से वो स्कारल की एक M4 की बुलेट्स ड्रॉप कर दी। और यहाँ पे मेरी टीम ने बताया मुझे मेरे बस और AKM की बुलेट्स हैं, तो मैं गया उसके पास 21 में, मैंने बस 9 पिकअप की क्योंकि मेरे बैग में इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने वो एक्सटेंडेड मैग फेंक दिया और वो 21 भी इक्विप कर ली। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। वो लोग गाड़ी लेके मेरे पास आ रहे थे, जो मैं पहुँच आ रहा था, एक तो मुझे समझ भी नहीं आती मुझे, तो मैं ये छोटे से घर के अंदर गया, बस स्मोक उठाने की कोशिश की पर कुछ नहीं उठा पाया, टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा मेरे पास एक ऑलरेडी एक दो स्मोक है। तो हमने जाना था ब्रिज के पार, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम क्या करें। तो हमने कहा हम आगे जाके सोचते ब्रिज के पास जाके। तो ऐसा आपको पता है मेरा टीममेट एक बहुत बुरा ड्राइवर है, तो मैंने उसको कहा तुम छोड़ गाड़ी, मैं बूस्ट में जाके ब्रिज के बीच में से जाता हूँ कि हमारी हेल्थ बहुत जल्दी से कम हुई और हम जल्दी से पहुँच जाए। और यहाँ पे हम हादसे के साथ पेश किए गए थे। जब मैंने उसको कहा था रुक, वो थोड़ी देर बाद रुक गया था और उसके बाद मैंने उसको कहा मैं चलाता हूँ, पर वो मान गया। उसके बाद हम जब जाने लगे थे एक और USA आ गई, जो जिसमें एक 3 लोग थे या वो था, ठीक है, सही तरह देख नहीं पा रहे, वो लोग पता नहीं कैसे उतर गए। नंबर 2 तो उतर गया, उसकी हेल्थ बहुत कम थी, नंबर 3 भी उतर गया, नंबर 2 की हेल्थ कम थी उसकी वजह से नॉक। तो मैं साइड पर जाके उतर गया कि मुझे थोड़ा कवर मिल जाएगा, पर मेरी गलती हो कि मैं वो रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो मैंने वो 4x फेंक दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं इनके पास गया, इन्हें गाड़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश की, मैं पीछे जा ही रहा था, मैं अपने पीछे जा रही था पर हादसे हो गए। तो दोस्तों देखें ऐसे ही मैं मर गया।